जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को राजधानी के सुषमा स्वराज भवन में हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में कमी, नमकीन पर टैक्स घटाना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कमी पर विचार करने के लिए समिति का गठन शामिल है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ बड़े फैसले जीएसटी काउंसिल में लिए गए हैं, वो चलिए पॉइंट्स के जरिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर की दवाओं पर कितना टैक्स कम हुआ है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का ऐलान किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैंसर के ट्रीटमेंट को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाना है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट्स कम किए जा रहे हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और ज्यादा कम करने के लिए इसे 5% तक किया जा रहा है। इसके अलावा नमकीन स्नैक्स सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मीटिंग में कुछ खास तरह की नमकीन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया है और इससे इन नमकीन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि महंगा क्या हुआ है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार की सीट महंगी हो गई है। काउंसिल ने कार सीटों पर टैक्स की रेट को 18% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है। अगला है, विदेशी एयरलाइंस को राहत मिलेगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से सर्विसेज के आयात को जीएसटी से फ्री रखने का फैसला लिया है। धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस सस्ती होगी। जीएसटी काउंसिल ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज के ऑपरेशन पर टैक्स को घटाकर 5% करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर सर्विसेज पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगला फैसला इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर जो लिया गया है, इसमें यह हुआ है कि जीएसटी काउंसिल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर जीएसटी की रेट को मौजूदा 18% से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है, लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अक्टूबर में सरकारी कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही इस पर फैसला होगा। अगला है, सेस कंपनसेशन पर मंत्री ग्रुप के गठन को भी अप्रूवल मिल गया है। जीएसटी काउंसिल ने सेस कंपनसेशन पर एक मंत्री समूह के गठन पर सहमति जताई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस निर्णय की जानकारी दी। ये कदम राज्यों को जीएसटी सेस कंपनसेशन के मुद्दे पर समाधान खोजने में मदद करेगा। अगला है, जीएसटी रेट्स पर मंत्री समूह ने रिपोर्ट सौंपी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के बाद बताया कि रेट रैशनलाइजेशन बनाने पर गठित मंत्री ग्रुप ने अपनी स्थिति की रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट जीएसटी दरों में सुधार और एडजस्ट करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अगला, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर चर्चा हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाए जाने के बाद से रेवेन्यू में 412% की बढ़ोतरी हुई है और ये जानकारी फिटमेंट कमेटी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट में दी गई है। अगला है, शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त ग्रांट पर टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं या राज्य सरकारों के कानून से स्थापित यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर या जिन्होंने इनकम टैक्स छूट प्राप्त की है, वो सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों से ही रिसर्च फंड प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो बड़े फैसले हुए हैं जीएसटी काउंसिल में। आपको क्या कुछ लगता है, आपको जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग के इन फैसलों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।